जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सीटेट 2019 के बारे में बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने उसके घंटे के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि सीटेट से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, इन सभी की ज़रूरत है तो आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ऐप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा हमारे ग्रुप को। उसमें आपको ये सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद में हमारे लिंक पे क्लिक करना है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप आसानी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे और आसानी से आप सीटेट पास कर पाओगे। देखिए दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग के संबंध में बात करने से पहले आपको ये बड़ी खबर दिखा देता हूँ। इस तारीख को आ सकती है CBSE सीटेट का एडमिट कार्ड, जाने खास बातें। तो सीटेट 2019 एग्ज़ाम का आयोजन 7 जुलाई को किया जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है वो अपना छात्र एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट seetet.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि सीटेट 2019 का एग्ज़ाम आयोजन 7 जुलाई को किया जा रहा है। एग्ज़ाम दो सेशन में आयोजित किया जाएगा। पहला पेपर सुबह 9:30 से 12 बजे तक होगा, वहीं दूसरा पेपर 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में आयोजित होगा। दोनों पेपर हल करने के लिए आवेदकों को 2.5 घंटे का समय यहां पे दिया जाएगा। देश के 97 शहरों में 20 भाषाओं में सीटेट परीक्षा आयोजित करेगा। वहीं असम के डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर और बिहार के भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली भी शामिल हैं। और आप किस प्रकार से डाउनलोड कर पाओगे? अभ्यर्थी सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट seetet.nic.in पर जाएं, उसके बाद में यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद में अभ्यर्थी ना डिटेल को दर्ज करें, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि। उसके बाद में कुछ देर बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिखेगा और इसे सेव करके आपको प्रिंट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आप कर सकते हो। आपका एक दो दिन में जारी होने वाला है एडमिट कार्ड। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अंदर कहा गया है कि टेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन यह आपका सीटेट का लास्ट बार होगा जब आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो इस बार सीटेट के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं, जो आते हैं वो भी नहीं आते वो भी आपको भर के आने हैं, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगली बार से इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू हो जाएगी नई शिक्षा नीति के अनुसार। और धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ऐप के लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम।